सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 सुंदर कौन पढ़ेंगे और इस पाठ में हम देखेंगे कि सबसे सुंदर कौन होता है। जो शक्ल से सुंदर लगे वही सुंदर व्यक्ति नहीं होता है, जो व्यक्ति मुसीबत में या जरूरत पड़ने पर काम आए वही सुंदर इंसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। नदी के किनारे गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता है। एक बार फूलों को मजाक सूझा, उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया और उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ ना बोली। बरसात आई। एक दिन अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली चमकने लगी। आग की लपटें झपटी और बिजली की मोहर के पेड़ पर आ गई। वह बेचारा झुलस गया, एकदम ठूठ सा हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं इसमें कि एक किसका पेड़ है? गुलमोहर का। गुलमोहर का पेड़ है और उस पर किस कलर के फूल आते हैं? लाल कलर के। और जब वो फूल आते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? गुलदस्ते जैसे। गुलदस्ते जैसे वो पेड़ दिखता है। जब लाल लाल फूल उस पर बहुत ही गुच्छे गुच्छे बन के आते हैं तो वो पेड़ के ऊपर ऐसे लगता है जैसे गुलदस्ता, रेड कलर के फूलों का गुलदस्ता है। एक बार क्या हुआ, जो फूल थे, लाल लाल फूल थे, इन फूलों को मजाक सूझाई, उन्होंने जड़ की मजाक उड़ाई। इन्होंने जड़ की मजाक क्या उड़ाई? जड़, इन्होंने लाल फूलों ने जड़ को कहा कि तुम बदसूरत दिखते हो, मतलब कि हम अच्छे दिखते हैं और जड़ क्या है? वो बदसूरत है। तो फूलों ने क्या करा? मजाक उड़ाया। लेकिन जड़ जो थी वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही। फिर एक दिन क्या हुआ, बरसात आई और बरसात में बहुत क्या हुआ, बिजली ऊपर से आसमान से नीचे उस पेड़ पर गिरी और आग की लपटों ने उस पेड़ को झुलसा दिया। झुलसा दिया मतलब जला दिया, पूरी तरह नहीं जल गया लेकिन थोड़ा थोड़ा जल गया, तो वो उसको बोलते हैं झुलस गया। तो वो पेड़ क्या रह गया? एक ठूठ सा रह गया, ठूठ। ओके, ठूठ मतलब कि इसमें से सारे पत्ते खत्म हो गए, फूल खत्म हो गए, छोटी छोटी नई नई टहनियां खत्म हो गई, तो क्या रह गया? वो खाली तना सा रह गया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखो ये बारिश हो रही है, ये आग की लपटे हैं और ये पेड़ खाली, ये इसका तना रह गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बरसात बीती, जाड़ा भी समाप्त हो गया। गुलमोहर बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। बसंत आई, फिर हुआ चमत्कार। गुलमोहर के ठूंठ पर कोंपले आई, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर से कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जमीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल तुम कैसे हो? क्या होता है बच्चों, बरसात का मौसम आया वो भी चला गया, ठंड का मौसम आया वो भी चला गया, और फिर क्या आता है ठंड के मौसम के बाद? कौन सा मौसम आता है? बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु आई तो उस पेड़ पर, उस ठूंठ पर क्या हुआ, फिर से नए पत्ते आने शुरू हो गए। नए पत्ते आए और नए पत्तों को क्या बोलते हैं? कोंपले। कोंपले, ठीक है, नई कोंपले आई और फिर छोटी कलियां आई और कलियों से क्या बने? नए फूल बन गए। फिर से फूल, फूलों से वो पेड़ भर गया। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में, ऋतु मतलब मौसम। ओके, तो फिर क्या होता है, तो जब फिर से नए फूल आ जाते हैं तो जड़ फूलों से पूछती है, कहो भाई फूलों कैसे हो? देखो फूलों ने जड़ की इतनी मजाक बनाई थी और वो आग से जल भी गया था, बरसात का मौसम को झेला, फिर सर्दी का मौसम को झेला और फिर बसंत ऋतु में फिर से उसने वही पत्ते आए, नए फूल आए और वो फूल फिर से अच्छे सुंदर दिखने लगे। तो क्या होता है, फिर
फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। केवल सूरत अच्छी हो जाने से ही कोई सुंदर नहीं हो जाता, सुंदर बनने के लिए दूसरों के काम आना भी जरूरी है। बहन हमें क्षमा कर दो। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये फूलों को जब दोबारा फूल आते हैं तो ये फूलों को शर्म महसूस होती है, फूलों को अपनी गलती का एहसास होता है। गुलमोहर के पेड़ की अब मजाक नहीं बनाते, इसके सामने आदर से सिर झुकाते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दो। फूलों को पता चल गया था कि गुलमोहर की मेहनत की वजह से ही हम फिर से पलते हैं, फिर से पेड़ पर आए हैं, फिर से हम सुंदर दिख रहे हैं। क्योंकि तो अगर जड़ कमजोर होती, जड़ उस समय सूख जाती तो वो पेड़ भी सूख जाता, तो फूल और पत्तियां फिर से आती नहीं। तो इसलिए जड़ मजबूत होने की वजह से ये लाल फूल फिर से आए। तो प्यारे बच्चों, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा है कि हमें अच्छे बनना है तो अच्छे बनने के लिए हमें अच्छे काम ही करने हैं, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। अगर हमें सुंदर लगना है तो हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के दुख सुख में काम आना है, तभी हम सुंदर बनेंगे। बाहरी रूप से सुंदर दिख जाएंगे तो वो हम सुंदर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से सीखा और आप लोग भी कोशिश करो कि आप भी पेड़ की तरह, गुलमोहर के पेड़ की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो। जब भी किसी को, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी आपको जब भी किसी को जरूरत हो उसकी मदद करो। घर में भी मम्मी पापा की मदद करो, बड़ों का कहना मानो, यही आपके लिए सुंदर बनना होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई है। धन्यवाद।